हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AS08 स्पोर्ट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 24 सितंबर का मैच, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC वर्सेस मुंबई FC का मैच का, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का प्लेइंग 11 के बारे में। और आप लोग कमेंट कर रहे थे कि मल्टी कैमरा एंगल का मतलब क्या है, और इस मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का एक प्लेयर अवेलेबल नहीं होगा, इसके बारे में भी बात करूंगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं मल्टी कैमरा एंगल के बारे में। गाइस, मल्टी कैमरा एंगल का मीनिंग है 360 डिग्री एंगल कैमरा, मतलब आप लोग सारे स्टेडियम में 360 डिग्री एंगल में कैमरा सेटअप रहेगा, और आप लोग जो एंगल से लाइव देखना चाहते हैं तो इसी एंगल से आप लोग लाइव देख सकते हैं। और कल का मैच में इस 360 डिग्री एंगल लाइव हुआ या नहीं मुझे नहीं पता, कल का मैच में देख नहीं पाया। और इस बार IPL में भी 360 डिग्री मल्टी कैमरा एंगल यूज़ किया था, और इतना खास नहीं लगा लेकिन यूज़ किया था। IPL जैसे ही ISL में भी 360 डिग्री कैमरा एंगल सेटअप किया है। और आप लोग इसी के बारे में और भी ज़्यादा जानने चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं AS08 Sports। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC वर्सेस मुंबई सिटी FC का 24 सितंबर का मैच के प्लेइंग 11 के बारे में। गाइस, इस मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का एक प्लेयर अवेलेबल नहीं होगा, जिसका नाम है माइकल जेबाको। गाइस, पिछले मैच में डुरान कप सेमीफाइनल में माइकल जेबाको को रेड कार्ड मिला था, और जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का फर्स्ट मैच पर माइकल जेबाको अवेलेबल नहीं होगा। और इसके बाद बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का 24 सितंबर का प्लेइंग 11 के बारे में। गाइस, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 है, ये कन्फर्म प्लेइंग 11 नहीं है। गोलकीपर की बात किया जाए तो गोलकीपर पोजीशन पर मिर्शाद मिर्चू का परफॉर्मेंस अच्छा ही चल रहे हैं। और इसके बाद बात कर लेते हैं सेंटर बैक के बारे में। सेंटर बैक में माइकल जेबाको अवेलेबल नहीं है, और माइकल जेबाको के जगह यासर हमेद खेलेगा, और सेंटर बैक पोजीशन में यासर हमेद और गौरव बरा। लेफ्ट बैक की बात किया जाए तो लेफ्ट बैक में तंदम्बा सिंह के द्वारा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। लेफ्ट बैक में तंदम्बा सिंह को रखना चाहिए, और लेफ्ट बैक में और भी एक प्लेयर है हीरा मंडल भी अवेलेबल है। इसके बाद राइट बैक में एसआर अख्तार है, एसआर अख्तार के द्वारा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है डुरान कप में। और राइट बैक में दिनेश सिंह भी खेल रहे थे, और इसके बाद हीरा मंडल भी है। हीरा मंडल लेफ्ट बैक और राइट बैक दोनों पोजीशन पर खेल सकते हैं, और तंदम्बा सिंह भी है। तंदम्बा सिंह भी राइट बैक का प्लेयर है। इन प्लेयर को डिफेंस लाइन में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC खिलाना चाहिए। और इसके बाद डिफेंसिव मिडफील्ड पर रोमेन फिलिपिटियो और मोहम्मद अली बीमेमार और रोमेन फिलिपिटियो को डिफेंसिव मिडफील्डर पर खिलाना चाहिए। और इसके बाद अटैकिंग मिडफील्डर पर फाल्गुनी सिंह को खिलाना चाहिए। मोहम्मद अली बीमेमार, रोमेन फिलिपिटियो और फाल्गुनी सिंह का जो जोड़ी है, इन जोड़ी को बेहतरीन जोड़ी मान सकते हैं। डुरान कप का सेमीफाइनल पर मोहम्मद अली बीमेमार, रोमेन फिलिपिटियो और फाल्गुनी सिंह का जोड़ी देखने को मिला था, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला था। और इसके बाद राइट विंग की बात किया जाए तो राइट विंग पर पार्थिव गोगोई को खिलाना चाहिए, और लेफ्ट विंग पर रिडिंग तलांग को खिलाना चाहिए, और सेंटर फॉरवर्ड स्ट्राइकर पोजिशन पर इप्सन मेलो को खिलाना चाहिए।
डुरान कप में इप्सन मेलो का परफॉर्मेंस इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला था, लेकिन इप्सन मेलो एक क्वालिटी प्लेयर है, क्वालिटी स्ट्राइकर है, इसीलिए नॉर्थ यूनाइटेड एफसी इप्सन मेलो को चांस देना चाहिए। और इप्सन मेलो के अलावा मनवीर सिंह भी है, मनवीर सिंह का भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। तो आप लोगों को मेरा लाइनअप कैसा लगा प्लेइंग 11 कमेंट बॉक्स में आप लोगों का ओपिनियन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज का वीडियो इतना ही है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इंस्टाग्राम पर AA08 स्पोर्ट्स को फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, जय असम, वंदे मातरम।